तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हुंडरूप हॉल पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य का दोबारा सांसद के कहने पर सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया शिलान्यास। बुधवार को हुंडरूप हॉल पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य का दोबारा शिलान्यास सांसद के आदेशानुसार सांसद प्रतिनिधि खिजरी एवं अनगड़ा के करकमलों के द्वारा किया गया। मालूम हो कि उक्त सड़क का शिलान्यास खिजरी विधायक राजेश कच्छप एक सप्ताह पूर्व कर चुके हैं। गौरतलब है कि सांसद का आरोप है और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक ने प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उक्त रोड का शिलान्यास किया है। साथ ही शिलान्यास शिलापट पर विधायक का नाम ऊपर और सांसद का नाम नीचे दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। इस बात को लेकर सांसद ने नाराजगी व्यक्त किया और इस मुद्दे को प्रीविजल कमेटी में ले जाने की बात कही। आज मौके पर शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि खिजरी प्रमोद कुमार सिंह, प्रमुख अनीता गाड़ी, सांसद प्रतिनिधि अनगड़ा कामेश्वर महतो, अजय महतो, रामनाथ महतो समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। सोना न्यूज अनगड़ा से बाबुलू मुश्ताक की रिपोर्ट। मैं प्रमोद कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि खिजरी विधानसभा। आज शिलान्यास कार्यक्रम में अनगड़ा प्रखंड के चौक में जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी फिर से इसका शिलान्यास कार्यक्रम किया है, इसलिए कि सरकार का जो, राज्य सरकार का जो प्रोटोकॉल का पालन विभाग के द्वारा नहीं हो रहा है या प्रतिनिधि उनके जो हैं उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा है, इसीलिए आज ये सबक दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, केंद्र के पैसा 60% इस योजना में लगता है, तो माननीय सांसद को किनारे करते हुए उनको बिना सूचना के शिलान्यास हो जाता है। इसके प्रतिक्रिया में फिर से विभागीय लोग माफ़ी मांग के उनसे फिर से शिलान्यास करने का आदेश दिया और सांसद महोदय के आदेश के अनुसार मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते आज इसका फिर शिलान्यास किया हूँ। अनगड़ा हुंडरूप हॉल मार्ग का शिलान्यास राजेश कच्छप कर चुके हैं, कारण क्या है जो दोबारा आज फिर से इसका शिलान्यास किया जा रहा है? ऐसा है कि विभागीय तौर पर किसी प्रकार सांसद महोदय या कि हम सबों को किसी प्रकार का सूचना नहीं रहने के चलते हम लोग नहीं पहुंच पाए थे और उसी के चलते उसी विनित आज हम लोग को फिर से शिलान्यास करना पड़ा और हम चाहते हैं कि इस रोड अच्छा पर्यटक स्थल का रोड है, अच्छा से अच्छा बने और जो प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन किया गया था वैसा आगे से ना हो, इसको हमने फिर से दोहराना चाहूँगा कि कोई भी विकास कार्य हो उसमें सांसद महोदय का जो सम्मानीय जो जगह है उसको किसी प्रकार का मैंने अनदेखी ना किया जाए। प्रमुख अनीता गाड़ी जी, आप बताइए कारण क्या है जो दोबारा इसका शिलान्यास करने का आवश्यकता पड़ा? नमस्कार, मैं अनगड़ा प्रमुख अनीता गाड़ी और आज दोबारा शिलान्यास करने का मेन मकसद था कि हमारे सांसद जी को जो पूर्व में जो शिलान्यास किया गया विधायक महोदय के द्वारा, उनके द्वारा या अधिकारी के द्वारा किसी भी तरह का हमारे सांसद महोदय को सूचना नहीं किया गया। ये प्रोटोकॉल के अनुसार सख्त ये है कि इस तरह से जैसे प्रखंड का प्रमुख या सांसद या विधायक सभी को सामूहिक रूप से कोई भी कार्यक्रम होता है सरकारी योजना के तहत तो उसको सूचना करना अति आवश्यक है और हम लोग आज जो सांसद जी के अनुपस्थिति में इस रोड का शिलान्यास किए तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलिए आज हम लोग उनका भी मान सम्मान को ख्याल रखते हुए उनका हम लोग रोड का शिलान्यास किए और सभी को धन्यवाद।